सबसे पहले लंग्स को हम पकड़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में. एनाटॉमिकल पोजीशन में पहले देखेंगे इसके बॉर्डर्स. बॉर्डर्स एक इसका शार्प इंटीरियर बॉर्डर होगा और उसके बाद इसका फ्लैट पोस्टीरियर बॉर्डर होगा. फ्लैट पोस्टीरियर बॉर्डर और इसका इन्फीरियर बॉर्डर होगा. उसके बाद इसकी सरफेसेज हैं. सरफेसेज में सबसे पहले इसकी कोस्टल सरफेस है. इस पर रिब्स के इंप्रेशन होंगे, इस पर नज़र नहीं आ रहे. उसके बाद इसका वर्टीब्रा सरफेस है, ये मीडियास्टिनल सरफेस है, ये इंटीरियर सरफेस है और डायफ्रामेटिक सरफेस है, ये यहाँ नीचे डायफ्राम होता है. उसके बाद इसके हाइलम पे आए थे. हाइलम पे जो ये राइट लंग है तो हाइलम पे स्ट्रक्चर्स होंगे द एपाटीरियल ब्रोंकस. उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है. उसके बाद ये हाइपाटीरियल ब्रोंकस है और उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स है. एक सुपीरियर पल्मोनरी वेन है और एक इन्फीरियर पल्मोनरी वेन है और यहाँ पे पल्मोनरी लिगामेंट होता है पर वो भी नज़र नहीं आ रहा. इसके अलावा इसके फिशर्स हैं. एक ओब्लीक फिशर है जो ऊपर से इन्फीरियर बॉर्डर तक एक्सटेंड करता है और एक ट्रांसवर्स फिशर है जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ओब्लीक फिशर को कट करता है और तीन लोब्स बन जाते हैं, एक सुपीरियर, एक मिडल और एक लोअर लोब.